तो मेरे अल्लाह और उसके हबीब की बहुत करम नवाजी है कि ये तमाम जो कामयाबियां हैं ये उनकी वजह से हैं। मैं अल्टीमेटली इन सेक्टर्स की बात तब तक नहीं कर सकता जब तक वो मुझे नहीं बताएंगे कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। सिर्फ कमेटी ले लेना ही कोई बात नहीं है, उस पर काम करें ताकि हम आपके सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स को आगे उठा सकें। अच्छा, बिल्कुल। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अमीन हाल में। जितने स्टैंडिंग कमेटी के कन्वीनियर से आज उनको अप्रीशिएट करने के लिए और जो खिदमात अंजाम दी हैं उन्होंने आज उनकी खिदमात के एतराफ़ में अप्रीसीशन अवार्ड से नवाजा गया है। काशिफ अनवर साहब से इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। काशिफ साहब, मुख्तसर आपसे पूछता हूँ कि ये अजीम फतूहत ही हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो कि आपके टेन्योर में मुकम्मल हुई, जिसमें प्रेजिडेंट हाउस लाहौर की ताजर बिरादरी का जाना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ताजर बिरादरी के नुमाइंदे की मुलाकात होना और उसके बाद पाकिस्तान के दो साबिक वज़रा आज़म का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आना, अमीन हाल में ही आप सबकी गुजारिशात सुनना और मुआशी प्लान देना, क्या ये जो फतूहात आप हासिल कर रहे हैं, क्या ये आज की जो फतह है क्या उन्हीं फतूहात में से? देखिए, सबसे पहले तो मेरे अल्लाह और उसके हबीब की बहुत करम नवाजी है कि ये तमाम जो कामयाबियाँ हैं ये उनकी वजह से हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक लायज़ॉन नहीं होगा स्टेक होल्डर्स के साथ, जो कंसर्न सेक्टर्स हैं, मैं अल्टीमेटली इन सेक्टर्स की बात तब तक नहीं कर सकता जब तक वो मुझे नहीं बताएंगे कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ये एक मिलने का बहाना भी था, उनको अप्रिशिएट करने का बहाना भी था, इनक्रेज करना भी था कि आप अपनी कमेटीज़ पे काम करें, सिर्फ कमेटी ले लेना ही कोई बात नहीं है, उस पर काम करें ताकि हम आपके सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स को आगे उठा सकें। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम कन्वीनियंस का जिन्होंने पिछले सालों में काम किया और उन्होंने हमें गाइड किया ताकि हम उनके इश्यूज़ को आगे गवर्नमेंट तक उठा सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया निज़ाम टीवी का। तो बात असल में कि आज जो कन्वीनियर एप्रिसिएशन अवार्ड्स से जो नवाजा गया, इससे मैं समझता हूँ कि हमारे एतमाद को ज़्यादा बेहतर उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है। और ये हौसला अफजाई का करने का मकसद ये है कि कन्वीनियर कमेटीज़ जो हैं वो एक समझ लें एक रीढ़ की हड्डी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, जो कि मुख्तलिफ बाज़ारों में, मार्केटों में, इंडस्ट्रियों में अपनी खिदमात को सर अंजाम देती हैं और बिज़नेस कम्यूनिटी को और जो बिज़नेस सेक्टर से जो भी रिलेटेड हो उनके जो मसाइल हैं, जो भी उनको दरपेश मुश्किलात हैं, उनको दूर करने के लिए वो उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं और प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिर उनको आगे उन जिन रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, आला काम होते हैं, उन तक पहुँचाते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा काशिफ साहब का कि उन्होंने हमें अवार्ड से नवाजा। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हाईली अप्रिशिएट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब ने जो आज इकदाम किया एंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड द सर्टिफिकेट्स टू द कन्वीनर्स ऑफ लाहौर चैम्बर की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ थी, जिसमें हम पूरा साल अपने लाहौर चैम्बर के जो मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सुनते हैं, उनके जितने भी कंप्लेंट्स हैं, उनके तहफ़ात हैं, सही इस कंट्रीज़ में जो कारोबार करने में मसाइल आते हैं उसके ऊपर हम मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, फिर उनके मसाइल को हम एम्बेसीज तो फॉरन ऑफिस तक लेके जाते हैं एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशूज़। और इसमें बड़ा अच्छा होता है लाहौर चैम्बर हमारी पूरी सपोर्ट करता है, लाहौर चैम्बर की स्टैंडिंग बिहाइंड अस, उसका R&D डिपार्टमेंट, उसके जो हमारे जो सेक्रेटरीज हैं वो हाईली प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इससे हमारे मेंबर्स को बहुत फ़ायदा होता है। देखें जी, माशाल्लाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने नोटिफिकेशन यहाँ से लेकर चले गए थे, लेकिन आज चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब ने एक ऐसा एक रवायत कायम की है कि जो काम करेगा वही साथ चलेगा। नोटिफिकेशन करवा के अलमारी में रख लेते हैं, वो आज गाड़ी हैं, जिन्होंने काम किया है वो सबको माशाल्लाह आज इज्जत से सर्टिफिकेट भी नवाजा गया है और इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में भी मज़ीद लोग
इसमें बेहतरी लाएंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और ये हमारा दूसरा गाड़ा है कि रियल एस्टेट के हवाले से इस वक्त तो जो है काफ़ी प्रॉपर्टी नीचे आई हुई है और मंदी है, हालांकि ये एक रेवेन्यू इकट्ठा करने का बहुत अच्छा जरिया है गवर्नमेंट के लिए, और जो भी गवर्नमेंट नहीं आती है वो उसको कुछ देर के बाद ही पता लगता है। तो लेकिन हमारे मियाँ तलत जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट DHA के, उन्होंने भी इसके लिए बड़ी कोशिश की है कि टैक्सेस वगैरह कम हो। हर जो एक फोरम है वहाँ जाके उन्होंने ये अपना मैसेज पहुँचाया है ताकि जो लोग प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं उनका काम भी चलता रहे, और जो फॉरनर हैं या ओवरसीज़ क्लाइंट हैं हमारे पाकिस्तानी, उनका भी जो सिस्टम चल रहा था वो चले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे बड़े हैं उनको इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। मेरा मैसेज है जी कि वी शुड यूज़ मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की मैं इस साइकिल पे बड़ा हैरान हूँ, कहते और वे इज गो फॉर इम्पोर्टेड गुड्स, लेकिन ये नहीं हो सकता बंदा सियालकोट जाके कहे कि मेड इन जापान फुटबॉल ले दें। वी आर नंबर वन इन फुटबॉल, तो जब फुटबॉल में हो सकता है तो बाकी चीज़ों में भी हैं, तो अपनी चीज़ों पर भरोसा करें और अपनी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें खरीदें, उससे ऑब्वियसली हमारा इम्पोर्ट बर्डन भी कम होगा और लोकल चीज़ ज़्यादा होगी, और कोशिश करनी चाहिए कि जितनी हम लोकल चीज़ें खरीद सकें उतना बेहतर। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मन जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहां हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल, मजीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें